तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी धोती स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग जो कि बाहुबली पिक्चर में देवसेना ने वेयर करा था। इससे आप मतलब इस पैटर्न में आप नौवारी साड़ी करके भी इसको लुक दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, दो हाथ का मेजरमेंट कर लिया था मैंने और यहाँ पर उसको छोड़ के सेंटर में हमें दो टाइट नॉट बना लेनी है। अभी ये छोड़ा हुआ जो पार्ट है, हमने दो हाथ का डिस्टेंस, इसका हम काष्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, नॉर्मल धोती साड़ी में जैसे हम काष्टा बनाते हैं बिल्कुल वैसे तरीके का काष्टा बनाना है। आपको साड़ी की बॉर्डर जितनी हो उतनी आपको यहाँ पे काष्टे में जो है वो डालना है। और ये देखिएगा, ये होने के बाद अभी जो आगे वाली बॉर्डर है, इतना ध्यान में रखिएगा ये जो बाकी की प्लेट होती है, जो पहली हमारी प्लेट होती है बॉर्डर की, उसको छोड़ के जो बाकी की प्लेटी होती है वो थोड़ी छोटी छोटी बनाइएगा इस आगे के प्लेट के हिसाब से। इससे क्या होता है, हमारा काष्टा जो है वो उठ के दिखता है। और ये देखिएगा, पीछे से लेकर के इसको सेंटर में यहाँ पे इसको टक करना है। और ये हो जाने के बाद अभी आना है पल्लू पे। तो यहाँ पे मैं पल्लू अभी बना रही हूँ, आप चाहे तो बाद में भी पल्लू बना सकते हो। तो जब भी पल्लू बनाते हो गाइस, इतना याद रखिएगा जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है उसको थोड़ी चौड़ी बनाइएगा, बाकी के हिसाब से हमारा जो पल्लू है वो यहाँ पे हमें ऊपर नीचे थोड़ी प्लेट आने वाली है आगे जा कर के, इसलिए। तो ये देखिएगा, ये प्लेट्स बनाने के बाद अभी जो शोल्डर वाला पार्ट है हमारा, उसको मैं यहाँ पर कमर के साइड में से एक एक प्लेट जो है वो सेट कर रही हूँ। इससे आसानी जाती है और टाइम बचता है। बाकी अगर आप बिगनर है तो आप छोटे मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में लेकर के भी यहाँ पे पल्लू बना सकते हो। तो ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पल्लू जो है वो मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया है क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वो बड़ी है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर हमें पिनअप कर देना है। अभी पिनअप करने के बाद इसको दोनों पैरों के बीच में से निकाल करके यहाँ पे हमें शोल्डर में रख लेना है। ये हमने मतलब टेम्पररी यहाँ पे रखा है। और ये देखिएगा, ये जो नॉट हमने सेंटर में बनाई थी इसको थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे खींच लिया है। और ये देखिएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये काष्टे के यहाँ पर अंदर से इसको आपको टक करना होगा दोबारा से। तो ये हो जाने के बाद ये देखिएगा, पल्लू को हमें ले लेना है और पल्लू के फैब्रिक को, ये जो हमने नॉट बनाई थी तो उसके बीच का फैब्रिक जो है वो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये देखिएगा साइड जो है वो खुली हुई है, इसमें से डाल करके हमें इसको खींच लेना है। खींचते टाइम इतना ध्यान में रखिएगा ये जो बॉर्डर है वो आगे की तरफ रखिएगा ताकि इससे लुक अच्छा आता है और आपको मतलब ज़्यादा यहाँ पर फुला फुला नहीं दिखता और अच्छे से आता है। तो थोड़ा यहाँ पे खींचने के टाइम थोड़ा ध्यान से खींचेगा। और अभी यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे दो टाइप है, आप यहाँ पे दो टाइप से यहाँ पे इसको वेयर कर सकते हो। पहला जो है, ये जो ऊपर वाली आप छोटी वाली बॉर्डर देख रहे हो, तो इससे जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे जितनी हो सकती है उतनी आप टाइट यहाँ पे इसको खींच लो। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा ऊपर वाला पल्लू बना है वो जिगजैग मोड़ देगा, मतलब प्लेट जो है वो हमें आगे की तरफ करनी होगी। और नहीं ऐसे नहीं है तो ये वाला आगे का फैब्रिक खींच लीजिएगा। और ये देखिएगा, सिंपली तरीके से नीचे के साइड से, अगर अभी मेरी पैठनी साड़ी है कॉटन की तो यहाँ पर से ये जो लेगिन है वो दिखाई देती है, लेकिन अगर आपकी सिल्क की साड़ी है तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करके नीचे की प्लेट अपने हिसाब से ऐसे ही आप स्टाइल कर सकते हो। अदरवाइज ये देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट्स जो है वो जैसे फैब्रिक पीछे की साइड टक करना है और यहाँ पे एक दो प्लेट्स जो है वो बना लेनी है। और ये जो हमने फैब्रिक खींचा था उसके नीचे की साइड इसको टक करना है और उसके बाद ये जो है बॉर्डर की साइड उसको हमने अच्छे से खींच लेना है। और अभी जो है वो हमें फैब्रिक को यहाँ पर पल्लू को उठा लेना है और सीधे तरीके से यहाँ पर प्लेट्स जो है वो एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे ऊपर के हिस्से की जो मैंने प्लेट्स बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी ताकि हमारा पल्लू जो है वो ज़्यादा ही जिगजैग मोड़ ना दे इसीलिए। तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पे आपको अच्छे से प्लेट्स बना लेनी है एक के बाद एक।
तो ये टाइट तभी होगी गाइस जब आप आगे की तरफ जो है वो पल्लू की फैब्रिक को खींचेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, हमें पिनअप जो है वो खोल लेना है। अभी यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा ट्राई किया है क्योंकि काफ़ी लोगों को पल्लू बनाने नहीं आते अच्छे से, और वो वक्त पे जो है मतलब एक एक प्लेट्स नहीं बना पाते। तो ये देखिएगा, हमें जो ऊपर की प्लेट्स है, 2 या 3 प्लेट जो है वो हमें खींचना है, बाकी जो हमारा फैब्रिक है वो वैसा ही रहेगा। और ये चीज़ मतलब ऐसे पल्लू बनाने में इजी जाता है, इसलिए मैंने ये तरीका ट्राई किया है यहाँ पे। तो ये जो बॉर्डर है उसको थोड़ा, पल्लू को जो है थोड़ा एडजस्ट करना है, और सही तरीके से यहाँ पे ये साइड भी, कमर की साइड से भी आपको हिप की साइड से थोड़ा देखना है टाइट होता है या नहीं है, उसके हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पे पिनअप दोबारा से पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, जब भी आपको लगे अच्छे से हो जाए पीछे की साइड से भी, तो आपको यहाँ पे पिनअप कर देना है। अच्छा, ये अभी तो ये वाला देवसेना स्टाइल में मैंने वेयर की रख करा है, तो यहाँ पे जो कास्ट है उसके ऊपर से पल्लू वाला पार्ट हमने लिया है। अगर आप नौवारी साड़ी वेयर करते हो या फिर नौवारी लुक यहाँ पे इस तरीके का क्रिएट करते हो इस साड़ी में, तो यहाँ पे ये जो पल्लू वाला साइड है वो कास्टे के अंदर से लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से पिनअप कर दीजिएगा, और उसके बाद पल्लू की प्लेट जो है वो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये हो गया गाइस हमारा फाइनल लुक। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे आया है उभर करके। एक्चुअली ये आधा से ज़्यादा नौवारी टाइप ही लगता है, मतलब जो भी धोती स्टाइल वेयर करते हो उसमें मराठी लुक अगर करते हो स्टाइल, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे लुक देता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।